खुशी महसूस करदा ते माण वाली गल है कि इस गुरु नगरी और बहुत ही जिहड़ा पायस शहर दे विच सेवा करन दा मौका मिल रहा है एज ए पुलिस कमिश्नर। देखो जिहड़ा लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है इहदे विच तां बड़ा सिंपल गल है, चाहे कोई भी एरिया है, मैं शुरू तो ही रखा है उहदे विच जिहड़े क्रिमिनल ने उहनां दे उत्ते पूरी नज़र रखने की लोड़ होंदी है। क्राइम ते क्रिमिनल नूं टैकल करना, उहनां दे उत्ते ठल पाउणा, इह साडा मेन एम होएगा। नॉर्मली की हुंदा है कि जिहड़े क्रिमिनल्स ने उह कुछ हुंदे ने, कोई जेल 'च है, कोई बाहर है, लेकिन वह रिपीटडली अपना क्राइम करते हैं। आपां बहुत सारे क्राइम नूं टैकल करते रहे हैं, जे उहनां ते पुख्ता तौर पर उहनां ते नज़र रखी जाए तो फिर उन्होंने तो आप पूरे टाइम सिर जो कार्रवाई कर सकते हैं। तो बेसिकली की है, जीरो टॉलरेंस ते ट्रांसपेरेंट वर्किंग, चाहे वो कोई भी इन्वॉल्व होवे उहदे ते पूरी जिहड़ी है उहनू कानून के मुताबिक सज़ा मिले। हथियारां दा पर्टिकुलरली एक इस एरिए भी, बाकी एरिए भी एक मेरे ख्याल हॉबी भी है, शौक भी है, लेकिन मेरे ख्याल इहनू जिहड़ा मिसयूज़ हो रहा, सो इहदे ते भी पूरी ऑडिटिंग होएगी। असी छेती ही जिहड़े तुहाडे लाइसेंस हाउसेज ने उहदा पूरा ऑडिट कराऊंगा। तुसीं देखिया होएगा जिहड़ा हुण कोटकपुरे दा भी होया, मैं ही उत्थे इनवैसटीगेट कर रहा सीगा, हरियाणा दे नंबर से असीं इमीडिएटली उन्होंने दस्सिया भी मोटरसाइकिल उत्थों दे। साडा टारगेट सारिआं दा ही इक्को है कि क्रिमिनल दे उत्ते ठल पाउणी चाहीदी पाउणी है, और जिहड़ा तां कि जिहड़ा सिविलाइज सोसाइटी उह होर सिविलाइज रहे, शांतमई रहे। सब तो पहला तो मैं इस गल का बहुत खुशी महसूस करदा, तो माण वाली गल है कि इस गुरु नगरी और बहुत ही जिहड़ा पायस शहर दे विच सेवा करन दा मौका मिल रहा है एज ए पुलिस कमिश्नर। इस शहर दे विच मैं अज तो काफ़ी साल पहला, मेरे ख्याल 96 दे विच AIG इंटैलीजेंस वर्क किया, और एक बार फिर मैं ये मौका मिल रहा है कि जिहड़ा पवित्र शहर है, बहुत ही मेरे ख्याल दुनिया का सब तो वध विजिटेड प्लेस है, जितों तक मैं पता है कि सब तो ज़्यादा वध इत्थे जिहड़े श्रद्धालु टूरिस्ट इत्थे विजिट करते हैं, रोज़ विजिट करते हैं, उस शहर नूं सर्व करन दा मौका मिल रहा है। मैं अपनी पूरी ईमानदारी तनदेही दे नाल और सारे ही ऑफिसर्स की कोऑपरेशन दे नाल इहनू जिहड़ी है ये ड्यूटी है उहनू निभाउण की कोशिश करांगे। एज ए कमिश्नर जिहड़ा मैनू ये लगता है कि जिहड़ा मुख जिहड़ा एम है वो यही हुंदा है कि जिहड़े उत्थों दे रहण वाले बछिंदे ने वह बिल्कुल शांतमई दे नाल पीसफुली उहनां नूं कोई बगैर किसी डर के माहौल तो रहन का मौका मिले। इनू रखद्या होया जिहड़ी साडी पुलिसिंग की जिहड़ी स्ट्रैटजी है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल वो रहन वाली है, और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के नाल नाल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जिहड़ा पुलिसिंग दे विच मेरा जिहड़ा हैगा सोच है, और उहदे नाल नाल ये भी जरूरी है कि जिहड़ी ये पुलिसिंग है ये पब्लिक वास्ते है और पब्लिक दे नाल है। सो इना एम्स दे नाल मैं अज जिहड़ा इत्थे चार्ज लिया, और मैं आस करदा वा कि सारे ही जिहड़ी मेरी टीम है बहुत पुराने ऑफिसर्स ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे दे नाल प्रोफेशनल वे दे नाल आपदा काम करनगे, और उहदे नाल नाल क्योंकि साडा मेन एम तो पब्लिक दे नाल है, उन्हां वास्ते है, तो उन्हां दे नाल है, उन्हां दे नाल दा मतलब यह है कि बिल्कुल निडर हो के बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो के साडे नाल किसी भी जिहड़ी उन्हां दे लगदी है कोई समस्या है या कोई इनफॉर्मेशन है या कोई उन्हां नूं लगदा है, तां कि जिहड़े क्रिमिनल है जिहड़े बहुत जिहड़े किसी भी एरिए च ने उहदे बारे आपां उन्हां ते ठल पा सकीए। सो क्राइम ते क्रिमिनल नूं टैकल करना, उहनां दे उत्ते ढल पाउणा, इह साडा मेन एम होएगा, तां कि जिहड़ा इह जिहड़ा शहर है इन्ना खूबसूरत शहर है इन्ना पवित्र शहर है उहदा अमन शांति जिहड़ी उह बरकरार रहे, और जिहड़े इत्थों दे बछिंदे ने इत्थों दे वसनीक ने
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਲਾਨ ਚੱਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਸਰ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਜੋ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ। देखो जिहड़ा लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है इहदे विच तां बड़ा सिंपल गल है, चाहे कोई भी एरिया है, मैं शुरू तो ही रखिया है, उहदे विच जिहड़े क्रिमिनल ने उहनां दे उत्ते पूरी नज़र रखण की लोड़ हुंदी है। किसी भी एरिए दे विच चाहे वह पुलिस के नाल जिहड़ा हैगा वो उन्हां दा जिहड़ा साडा जिहड़ा हैगा पूरी यह है कि वो जिहड़े क्रिमिनल्स ने उन्हां दे नज़र रखी जाए उन्हां ते, तां कि असी उन्हां नूं टैकल कर सकीए। नॉर्मली की हुंदा है कि जिहड़े क्रिमिनल्स ने वो कुछ हुंदे ने, कोई जेल च है कोई बाहर है, लेकिन वो रिपीटडली अपना क्राइम करते हैं। आपां बहुत सारे क्राइम नूं टैकल करते रहे हैं, जे उन्हां ते पुख्ता तौर पर उन्हां ते नज़र रखी जाए तो फिर उन्होंने आप पूरे टाइम सिर जो कार्रवाई कर सकते हैं। ये नाल नाल मैं इस थोड़े जरिए भी कहना चाहवागा कि जी आप पुलिसिंग करते हैं पब्लिक वास्ते है और पब्लिक के नाल है, मेरा यह मोटिव है। पब्लिक के नाल का मतलब है कि थोड़े लाई दे नाल, क्योंकि आप सारे ही जोड़े सारे बछिंदे एक तरह के पुलिस ऑफिसर्स ही ने, पुलिस ऑफिसर्स इन प्लेन क्लोथ, मेरा मानना है। सो सिविलाइज्ड जी सोसाइटी दे विच तुसी सारे ही साडा जे साथ देंदे हो और पुलिस अपनी पूरी एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी नाल करदे आ, तो मैनू नहीं लगता कोई भी क्रिमिनल जिहड़ा वो पर मार सकेगा या वो कोई भी इहो जी हरकत कर सकेगा। यही अपना मोटिव है। सर, दो एक घटनावां बहुत वड्डी सुधीर सूरी इत्थे हत्याकांड जो रिलेटेड आ रही सी, उस तों बाद बहुत सारे सवाल खड़े सी, उस नूं किस तरह टैकल कीता जाएगा? देखो जिहड़ा इह मर्डर केस होया और उहनूं भी असी बहुत, मेरे ऑफिसर्स दे नाल भी गल हुई है, बिल्कुल प्रोफेशनल वे दे नाल वो टैकल किया जाएगा। मैनू ये लगता है कि जिहड़ा मैं बहुत सारे पहला भी इनवैसटीगेट भी किए हैं और मूसेवाल केस का भी मैं इनवैसटीगेट किया, तुहानू पता इत्थे प्रैस कॉन्फ्रेंस की सीगी। मैनू जो चीज़ा दो तीन चीज़ा लगदियां ने कि जिहड़े साडे जिहड़े जिन्हां नूं असीं प्रोटैक्शन दित्ती है और जिहड़े प्रोटैक्टी और प्रोटैक्टर्स ने, मैं जल्द ही एक ये प्लैन कर रहा सीगा कि इहनां नूं भी एक बार इकट्ठे करके एक बार ब्रीफिंग भी की जाए। मेरे ख्याल वो जिहड़ा टारगेट हार्डनिंग और साडे जिहड़े मुलाजम है, हुण मैं पिछे जे कोई होर भी जगह पर गया तो क्योंकि जे अलर्ट हो जाने प्लस साडे मुलाजम भी अलर्ट हो जाते और चंगी मुस्तैदी नाल करते हैं काम, तो मैनू लगता है कि वो तां ही मैं कहा प्रोफेशनल वे दे नाल ते ट्रांसपेरेंट, जे असीं उहनूं कर लैंदे आ तो फिर इहो जी पहली गल तां वारदात नहीं होएगी, तो दूजे नंबर पर जदों असीं प्रोफेशनल वे नाल करदे आ तो उहदा जिहड़ा हैगा वो जो उहदा उहनां बंदिआं दी आइडेंटिफाई करना, उहनां नूं सजावां दिवाउणियां, जदों आपां उहनूं बिल्कुल प्रोफेशनल वे नाल करदे आ तो तां ही जिहड़ा इह क्राइम क्रिमिनल जिहड़ा कंट्रोल हो सकेगा। देखो मैं थोनू पता ही है कि पहला भी मैं इनवैसटीगेट कर रहा मूसेवाल केस वाला भी तो उहदे विच भी है, असी उहनू बहुत ही प्रोफेशनल वे दे नाल जिहड़ा एविडेंस, तां ही मैं कह रहा ना कि जिहड़ा प्रोफेशनल वे दे नाल करन दी लोड़ हैगी है, तां कि जदों असी उहनू प्रोफेशनल वे नाल करांगे कोर्टां दे अगे पेश करांगे और उस तों बाद उहदी ट्रायल्स होणगीआं और उहनू कन्विक्शन होणगीआं तो फिर जिहड़ी है वह ठल पैंदी हैगी है। और मैं तो इन्वेस्टिगेशन भी रहा वा और मेरा ये सारे ऑफिसर्स दे नाल भी यही रहेगा कि असी वो जिहड़ा एक एंड टू एंड जिहड़ा है ना उहनू करिए, ना केवल पहला तो गल है कि क्राइम होण इहनां दा ही है प्रिवेंटिव भी रखिए, सैकेंड है जे होवे तो उहनू डिटेक्ट होवे और उहदी जिहड़ी है एविडेंस बना के और प्रॉपर जिहड़ा हैगा प्रोसीजर दे नाल प्रोफेशनल वे दे नाल उहनू सजावां दवाइयां जाण, तां ही ये जिहड़ा है क्राइम। पर ऑफकोर्स ये सोसाइटी दे पूरी जिहड़ी कोऑपरेशन दे नाल, और मैं थोनू दस्या फिर कि जिहड़ा साडा सोसाइटी वास्ते ते सोसाइटी दे नाल इन प्रोफेशनल ते ट्रांसपेरेंट वे एक जिहड़ा मेरा मोटिव है। देखो जिहड़ियां चुनौतियां तां पुलिस असी मेरे ख्याल पिछले
30 साल तो देख रहे हैं, टैररिज्म का टाइम भी देखा, चुनौतियां तो हमेशा होंदिया ने, लेकिन हर चुनौती का सल्यूशन है। पहला भी कढ़िया तो यह भी चुनौती का सल्यूशन रहेगा। जिहड़ियां जेलों के विच हैगा वह सारे के उत्ते असी जिहड़ा हैगा उन्हूं असी देख रहे हैं, लेकिन यह कोई इहो जी चुनौती नहीं जिहदा सल्यूशन नहीं हो सकता। और थोनू पता ही है कि इस वेले बहुत उन्हां तों रिकवरीज हो रही ने। मैं जितों फिरोजपुर आया मेरे ख्याल वो जिन्हें भी लिया रहे उन्होंने लूपहोल सारे प्लग किए जाएंगे, नंबर एक। और जिहड़े ये क्राइम उत्थे भी जिहड़ा हो रहा तुसीं देखिया जिहड़े ऑफिशियल्स भी जिहड़े इनवॉल्व सी उन्हां ते भी हैगा। सो बेसिकली की है, जीरो टॉलरेंस ते ट्रांसपेरेंट वर्किंग, चाहे उहदे च कोई भी इनवॉल्व होवे उहदे ते पूरी जिहड़ी है उहनूं कानून दे मुताबिक सज़ा मिलेगी। सर, क्राइम नूं रोकण वास्ते इंटेलीजेंस बहुत जरूरी है। सर, पंजाब दी इंटेलीजेंस पिछले टाइम तों थोड़ी जिही कमज़ोर हुई है, दिल्ली पुलिस आ के इत्थे अपनी कार्रवाइयां कर जांदी है, देखो पहला पहला तो मैं ये गल कहांगा कि सारिया एजेंसीज जिहड़ियां ने आपां लंबे समय तो देखते हाँ असी सारे नाल कोऑर्डिनेट करके जाने, साड़ी कोई बैरीकेटिंग नहीं हैगी कि ये दिल्ली है या हरियाणा है। जिवें वो क्रिमिनल्स भी आप तुसी देखे होएगा, जिहड़ा हुण कोटकपुरे का भी होया, मैं ही उत्थे इनवैसटीगेट कर रहा सीगा, हरियाणे दे नंबर से असी इमीजिएटली उन्होंने दस्सिया भी मोटरसाइकिल उत्थों दे। सो जिवें थोनू पता ही है कि ये बैरीकेटिंग नहीं है, लेकिन साडा कोआर्डीनेशन होना बहुत जरूरी है, वो कोआर्डीनेटेड एफर्ट ही होनी चाहिए है सारी एजेंसीज। सो मैं भी तुहानू दसांगा क्योंकि बहुत सारिया एजेंसीज वर्क कर दी है, साडा टारगेट सारियां दा ही इक्को है कि क्रिमिनल दे उत्ते ठल पानी चाहिए पानी है, और जिहड़ा तां कि जिहड़ा सिविलाइज सोसाइटी वो होर सिविलाइज रहे, शांतमई रहे। देखो वो जिहड़ा हथियारां दा पर्टिकुलरली एक इस एरिए भी बाकी एरिए भी एक मेरे ख्याल हॉबी भी है, शौक भी है, लेकिन मेरे ख्याल इहनू जिहड़ा मिसयूज़ हो रहा। सो इहदे ते भी पूरी ऑडिटिंग होएगी और इहदे ते पूरा ध्यान है। और मैं थोड़े इस माध्यम दे नाल भी दसांगा कि असी छेती ही जिहड़े थोड़े लाइसेंस हाउसिस ने उहदा पूरा ऑडिट करावांगे कि जिहड़ा वो लाइसेंस है और जो वैपन है या उन्हां कोल जो जमा है वो प्रॉपर उत्थे है या नहीं है, कि उन्होंने जो चीज़ा ने वो पूरी ऑडिट करांगे। सो पहला स्टैप तो यही है, और उतों बाद फिर जे कोई सानू लगता है कि लाइसेंस जिहड़ा वो ठीक बंदिया दे हाथ च नहीं हैगा, सो कैंसल भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं हैगा, बट ये तो पूरी जिहड़ी है वो कोख रहेगी। देखो सोशल मीडिया मोनिटरिंग सैल हर डिस्ट्रिक्ट दे विच है, इत्थे भी हैगा, और ये फिर मैं उही कह रहा कि कोई भी किसी किस्म की जिहड़ी सिविलाइज्ड सोसाइटी नूं खराब करन वाला उहदे ते अख भी रखी जाएगी ते एक्शन भी होएगा। सर, आम तौर पर होंदा कि जिहड़े पिछले अफसर आते हैं उन्होंने कुछ ते जो सजा होएगी मैं भरन नूं तैयार हां। चौथा लोगों दे विश्वास, पंजवां हैगा जिहड़े लोग बाहरों आते हैं वो इन्ने अनकॉन्फिडेंट। मैं तो तुहानूं हुणे जवाब दे के हटिया कि प्रिवेंटिव सब तो जरूरी है, फिर डिटेक्शन है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने सुझाव होंगे, ये वास्ते ही आप सारे प्रयत्न वो भी देख लेंगे। देखो मैं जिथे भी रहा वा मैं पब्लिक का इस क्योंकि कंसैप्ट मैं थोड़ा दस दिता बड़ा क्लीयर है, पब्लिक वास्ते तो पब्लिक के नाल एक स्लोगन है, और प्रोफेसनल तो ट्रांसपेरेंट पुलिसिंग। सो पब्लिक की जिहड़ी है वो असी छेती ही एक वट्सअप का या कोई नंबर देंगे, अगे मैं बठिंडे भी रख्या, फिरोजपुर तो भी मैं रहा वा, तो बहुत ही वधिया और सिस्टमैटिकली, और बहुत सारे बंदे थोड़े तो बाहर भी गए, उत्थे एक नेबरहुड वॉच स्कीम है, मेरे ख्याल तुसी सारे ने सुनिया भी होना, क्योंकि आप अपनी सिक्योरिटी रखते हैं हुण हर जगह पर यही मतलब वो वॉच कर लेंगे, जो थोड़ा भी कोई चीज़ होंगी रिफॉर्म कर देंगे है। वो मैं थोनों यही कॉन्फिडेंस दवाना चाहना थोड़े इस मीडिया नाल कि कोई भी यहोजी कोई इनफॉर्मेशन या मतलब ये कोई इनफॉर्मेशन भी कहना इनू गलत होएगा, कोई भी एक्टिविटी जिहड़ी कि लगती अबनॉर्मल है तुसीं साढ़े तक दवोगे, साडा वो मैकेनिज़म दे विच पूरा आपां बनावांगे, तो कोई डर वाली गल नहीं, कोई ट्रांसपेरेंट रहेगा, किसी का कोई नाम नहीं आएगा, तो आई थिंक ता ही अपनी सोसाइटी जिहड़ी है
वो क्राइम फ्री हो सकती है। थैंक यू।